अध्याय 8 पद संज्ञा 1-8 तक। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मकमलना था और जिससे 7 अब्दूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा गुसा की पत्नी योहन्ना, सूसन्ना और उनके अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उसके शिष्यों की सेवा परिचर्य करती थी। बोने वालों का दृष्टांत। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने ये दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश की पक्षियों ने उन्हें चूक लिया। कुछ बीज पत्थरली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अनाव अभाव से झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बैठने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुण सफल लाए। इतना कहने के बाद वो पुकार कर बोले, जिसके सुनने का कान हो वो सुन ले। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में प्यारे फादरगण, सिस्टरगण और मेरे भाइयों और बहनों, आजकल हम गांव में जाते समय हम ये देखने को मिलते हैं हमें कि सभी जगह अपने किसान भाई लोग अपने ज़मीन का तैयारी करके डालते हैं। जैसे धूप काल शुरू होता है, वैसे खेत के सब लोग, खेती करने वाले उसको नांगर करके सब सफाई करके एक साथ डालने का एक सुंदर दृष्टांत हमें देख सकते हैं। उनके मन में ये आशा है कि जैसे ही वो पहले बारिश गिरते हैं, पहले बारिश जैसे गिरते हैं वो अपना बी डाले, और उनका प्रतीक्षा है कि जैसे ही बी डालते हैं और जैसे बी उगते हैं तो उनको अच्छा फसल मिलेंगे। आज का बाइबल का पाठ में एक ऐसे एक उदाहरण, एक दृष्टांत प्रभु ईसा मसीह एक सुपरिचित दृष्टांत हमें सुनाया है कि एक खेती में बी बोने वाले एक किसान का दृष्टांत। बी बोने के तरीका किसान को ही मालूम है। जैसे बी डालते हैं तो एकाधि बी रास्ते में गिर जाता है, कुछ काठेरी झाड़ों में गिर जाता है, कुछ पत्थर पर गिर जाता है, वो सब फसल नहीं देता है, उगते हैं कुछ कारण से मर जाता है। लेकिन एक ही बी के बारे में आज का बाइबल का संदेश, जो सही जगह पर सही रीति पर डाले हैं और सही रीति पर उगकर उनको फसल मिला है, वो 100 गुना फसल मिला है ऐसे बताया गया है। द लैंड इज वेरी फर्टाइल। देखो, सब लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि द लैंड इज फर्टाइल, द लैंड इज फर्टाइल, सो दैट यू शुड ग्रो वेल, यू शुड ग्रो वेल, यू शुड, यानी प्रभु ईसा मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमें एक अच्छा खेती दिया गया है, उसमें अनुकूल वातावरण दिया है कि बीज डाला जाता है, लेकिन उसको जितना फल हमें देना चाहिए उतना फल हमें दे नहीं पाता है।
उसका कारण क्या है वो अपने आप सोच लेना का एक विचार है। अपने आप सोच ले कि हमें प्रभु ईसा मसीह इतना फर्टाइल लैंड देने के बाद ही हमारा फसल कैसे होता है। आजकल हम देखते हैं कि हाइब्रिड सीड्स हम डालते हैं, हाइब्रिड सीड्स यानी उसका जीन बदला के दूसरा जीन से सीड बना जाता है। उसका एक ऑपोजिट साइड ऐसे है कि उसको बहुत सारे कीड़ा लग जाता है, उसको फसल ज़्यादा मिलता है लेकिन कीड़ा लग जाता है उसको। उसके लिए हम उसको फुहारने करते रहना चाहिए। लेकिन ईसा मसीह हमें एक ऐसा एक फर्टाइल लैंड दिया है, सही बीज सही जगह पे गिरते समय उसका फसल मिलता है। आइए हम इस एवेंजलाइजेशन वर्कशॉप में भाग लेते समय, ये एवेंजलाइजेशन का एक तरीका है, बी सबके लिए दिया गया है, सबके लिए फर्टाइल लैंड दिया गया है। इस बी सही फर्टाइल लैंड में डालते समय हमें 100 गुना फसल आना चाहिए। ये कर्तव्य है, ये मैंडेट दिया गया है, यही है एवेंजलाइजेशन यानी प्रभु ईसा मसीह हमको दिए हुए सब टैलेंट को बढ़ाना है, हमारा अनुकूल वातावरण बनाना है, हमारे भाईचारा से हम दूसरों से प्यार और प्रीति में आगे बढ़ाना है, तब प्रभु ईसा मसीह का फसल हम देख सकते हैं। आइए हम इसके लिए कोशिश करें। हम इस पूजा बलिदान में प्रार्थना करें, प्रभु ईसा मसीह का पवित्र आत्मा का द्वारा हमको फसल बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु ईसा में आशीर्वाद दें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।